हिमाचल किसान कांग्रेस द्वारा 19 अक्टूबर को नालागढ़ में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेड़ा द्वारा की जाएगी। इस बात की जानकारी शिमला में पत्रकार वार्ता कर हिमाचल किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय सह संयोजक रविन्द्र सिंह ने साझा की। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में हिमाचल ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों के लोग शामिल होंगे। समारोह के दौरान किसानों बागवानों के लिए अपना योगदान देने वाले और किसान के लिए अपनी आवाज बुलंद करने वालों को सम्मानित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों की आवाज को लेकर किसान कांग्रेस हमेशा ही वचनबद्ध रही है। राष्ट्रीय किसान कांग्रेस का किसान सम्मान समारोह जो कि 19 अक्टूबर को नालागढ़ में होना तय हुआ है, उसके विदित में आपके समक्ष जानकारी रख रहा हूं। आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को इसकी जानकारी दे रहा हूं। 19 अक्टूबर को ये सम्मान समारोह नालागढ़ में रखा जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुखपाल सिंह खेड़ा जी करेंगे। इस सम्मान समारोह के कन्वीनर रवि शर्मा जी हैं, जो नालागढ़ से आते हैं, वो भी मेरी ही भांति सह समन्वयक हैं, जॉइंट कोऑर्डिनेटर हैं राष्ट्रीय किसान कांग्रेस में, और को कन्वीनर हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सोहन वर्मा जी हैं, और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के अखिलेश शुक्ला जी इस सम्मान समारोह की सारी प्रोसीडिंग्स करेंगे। इस सम्मान समारोह के नालागढ़ में रखे जाने से हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस बड़ी हर्षित है, क्योंकि इससे हिमाचल प्रदेश के सभी किसान कांग्रेस के साथियों को एक मौका मिलेगा कि वो राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मान समारोह में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इस सम्मान समारोह के लिए हमने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से समय लिया है, उनको इसका इनविटेशन आज अभी थोड़ी देर के बाद सचिवालय में दिया जाएगा। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को भी इसका इनविटेशन दिया जाना है। हमारी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को भी निमंत्रण देने के लिए स्वयं हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सोहन वर्मा जी इस समय गए हुए हैं जब हम ये वार्ता कर रहे हैं, और अभी इससे पहले हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन और ठियो के एमएलए कुलदीप सिंह राठौर जी से मिलकर उन्हें निमंत्रण देकर के आ गए हैं, और उन्होंने हमें इस निमंत्रण में शामिल होने का भरोसा भी दिया है। आगामी 19 अक्टूबर को ये होने वाला है, इसकी सारी तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी कर दी गई हैं। इस सम्मान समारोह में सिर्फ हिमाचल के ही नहीं, पंजाब हरियाणा के ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, विभिन्न प्रदेशों से अलग अलग लोग उपस्थित होने वाले हैं। जिन भी लोगों ने किसानों बागवानों के लिए पिछले समय में लड़ाइयां लड़ी हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करी है, उनको सम्मानित करने का हमारा ध्येय है, और उसकी भी एक लिस्ट बनी है जिसमें हम अलग अलग उन लोगों को सम्मान देना चाहते हैं जिन्होंने किसान वर्ग के लिए, बागवान वर्ग के लिए पिछले कुछ समय में योगदान दिया है। तो इस किसान सम्मान समारोह में उन लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा।